आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रूपी 112 के बारे में। वैसे तो 112 का मतलब भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्यों डाला हुआ है, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये जो कंपनी है, ये है हमारी पेडे कैटेगरी की लोन, मतलब आप जो भी लोन अमाउंट यहाँ से लोगे उसका पेडे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है पर डे के हिसाब से। एंड लाइक कौन सी सिटी में वर्क कर रही है, फिलहाल तो अभी मेरे को पता चला है दिल्ली NCR के अंदर वर्क कर रही है, लेकिन अदर सिटी में वर्क कर रही है नहीं कर रही, आई डोंट नो, बट मैंने अभी अदर सिटी से नहीं इन्फॉर्मेशन ली है कि कहाँ कहाँ ये वर्किंग है, लेकिन जहाँ जहाँ ये वर्किंग है वहाँ के बारे में आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ। दिल्ली NCR के अंदर ये वर्किंग है, अगर आपका एड्रेस दिल्ली NCR का है तो आपको पेडे लोन मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक फॉर्म फिलअप करना है, सैलरी परसेंट ही आपको सिलेक्ट करना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक लोन पर्पस, उसका लोन अमाउंट की आपको कितनी नीड है, मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 50,000 रुपये, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर पैन कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद आपकी मंथली सैलरी कितनी है, कितनी रिसीव होती है, वही डालिएगा जो आपके बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप में होगी, ठीक है। करंट एड्रेस प्रूफ, ठीक है, सिटी के नाम तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ये कंपनी वर्किंग है, सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अदर सिटी में है या नहीं, ये तो मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है कि ये कौन कौन सी सिटी में अभी लोन दे रही है। दिल्ली NCR में दे रही है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ आपकी सैलरी होनी चाहिए यहाँ से लोन अप्लाई करने से, ठीक है। डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको देना पड़ेगा 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, नीचे की साइड मेंशन है कि आपको जो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा, एंड 3 मंथ का पे स्लिप मतलब कि सैलरी स्लिप आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, पोस्टपेड बिल एंड लैंडलाइन बिल कुछ भी आप दे सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी है, इसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। एंड ये जो प्रोसेस है आपका 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। और जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, वो 21 मतलब 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उस अकाउंट से आपको इमिडिएट करना होगा जिस अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होता है। देखिए, जो इन्होंने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी एम्प्लॉयड के लिए और ऑनर के लिए ही होगा, ठीक है, रेंटेड का नहीं है। रेंट जो रेंट पे रहते हैं दिल्ली NCR में, उनके लिए नहीं है, सिर्फ ओनर के लिए है। इसकी भी अलग अलग फैसिलिटी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखा है, जी हम आपको 50,000 रुपये का लोन देंगे, उसमें अकाउंट में डिस्पर्स करेंगे 48,800 रुपये, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। EMI रहेगी 4,000 कुछ रुपये, टोटल रीपेमेंट करनी होगी 59 मतलब 60,000 रुपये आप मान लीजिए, मोटा मोटा पकड़ लीजिए भाई 60,000 रुपये की हमें जो है रीपेमेंट करनी होगी, और टोटल इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा 9,900 कुछ रुपये, लेकिन आप 10,000 रुपये से जितना कैलकुलेट कर लीजिए, और भी कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर, मतलब 12 महीने के लिए भी है, 180 दिन के लिए भी है, और बहुत सारे हैं इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो है नहीं। अब जानते हो ना पेडे लोन में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, अगर आप 10,000 रुपये लोगे ना तो 8,000 या 8,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है, रीपेमेंट करनी होगी 12,000 की या 11,000 रुपये की, वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से बता रहा हूँ, मिनिमम टाइम पीरियड के, ये नहीं कि आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दूंगा, इसके बारे में लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस कंपनी का लिंक वीडियो